हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 1 फरवरी से शुरू होगा ऑपरेशन मिलाप। गुमशुदा नाबालिग बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाना हो या फिर नाबालिगों को बाल श्रम व भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना हो, इस काम को करने के लिए शुरू किए गए अभियान ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान के बाद अब तीसरा अभियान ऑपरेशन मिलाप का आगाज 1 फरवरी से होगा। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि सरहदी बाड़मेर जिले में 1 फरवरी से ऑपरेशन मिलाप अभियान चलाया जा रहा है। एसपी शर्मा के निर्देशन में मानव तस्करी विरोधी यूनिट और सभी थानों की टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान में बाड़मेर ने न केवल बालिकाओं को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया, वरन बाल श्रम व भिक्षावृत्ति से बालकों को मुक्त कराने और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराने का कार्य होगा। ऑपरेशन मिलाप की सफलता के लिए नोडल अधिकारी सीमा चोपड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने शुक्रवार को बैठक का आयोजन कर एनजीओ, बाल कल्याण समिति, बाल विकास एवं सभी थानों के कार्मिकों से इसको लेकर तफ्तीश से जानकारी दी। एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि अभियान केवल किसी एक संस्था या व्यक्ति के भरोसे सफल नहीं हो सकता। मानव तस्करी विरोधी यूनिट तो काम कर ही रही है, लेकिन सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं चाइल्ड लाइन मिलकर काम करेगी, तभी इसमें हम सफल रहेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।